बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को विदेश जाने से रोका गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लिया जाएगा एक्शन। 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली मामले में गवाह है जैकलीन फर्नांडिस। धोखाधड़ी केस में फंसे सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। जैकलीन के खिलाफ ईडी का लुकआउट सर्कुलर। विदेश जाने पर रोक। जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर से कई महंगे तोहफे मिलने का दावा। आइए आपको बताते हैं जैकलीन फर्नांडिस से जुड़ा हुआ क्या है ये पूरा मामला। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को रविवार शाम मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक दिया गया। दरअसल जैकलीन सलमान खान के द बैंक टूर के लिए रियाद जा रही थी। आपको बता दें कि जैकलीन से 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ चल रही है। ये पूरा मामला धोखाधड़ी केस में फंसे सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में उन्हें रोका गया है। मामले की जांच कर रहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जैकलीन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। बताते चलें कि इस मामले में ईडी एक्ट्रेस नौरा फतेही से भी पूछताछ कर रही है। ईडी का कहना है कि 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली मामले में जैकलीन अहम गवाह है। सुकेश अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जैकलीन पर यह भी आरोप है कि वह सुकेश को डेट कर रही थी। वहीं ये भी बात सामने आई है कि सुकेश ने जैकलीन को डेटिंग के दौरान कई महंगे तोहफे भी दिए हैं। इन तोहफों में 9 लाख रुपए की एक बिल्ली भी है। सुकेश चंद्रशेखर ने पूछताछ के दौरान बताया था कि उसने जैकलीन को 52 लाख रुपए का एक घोड़ा और 4 फारसी बिल्लियां गिफ्ट की थी। जैकलीन और सुकेश के कुछ ऐसे फोटोज ईडी के हाथ लगे हैं जो दोनों की करीबियों की ओर इशारा करते हैं। इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल और 6 दूसरे लोगों के खिलाफ 7000 पेज की चार्जशीट फाइल की गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में सुकेश और बाकी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। ईडी ने छापेमारी के बाद कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड है। वह 17 साल की उम्र से अपराध की दुनिया का हिस्सा रहा है। ईडी ने 24 अगस्त को सुकेश के चेन्नई में सी फेसिंग बंगला सीज कर लिया था। बंगले से 82 लाख रुपए, 2 किलो सोना और 12 से ज्यादा लग्जरी कारें जब्त की गई थी। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।